क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज श्रीवास है, मैं राजगढ़ वार्ड नंबर 22 से आया हूँ। क्या समस्या, कहाँ पर आए हो आज? मैं नगर विधायक माननीय रवि शर्मा जी के यहाँ आया हूँ, और एक बार नहीं कई दफ़ा आया हूँ, और मेरी पूरे मोहल्ले की लाइट की समस्या है, इस संबंध में लेके आया। कैसी समस्या है लाइट? समस्या ऐसी है कि मेरे जहाँ मेरा मोहल्ला है वहाँ 40 से 50 घर हैं जी, जो कि अभी तक 3-4 साल से निवास कर रहे हैं, वहाँ तक किसी भी प्रकार से बिजली मुहैया नहीं कराई गई। इस समस्या को लेके कई बार हम माननीय सांसद जी के यहाँ गए, माननीय विधायक जी के यहाँ भी आए, अपने नगर पार्षद के यहाँ भी गए, और अपने नज़दीकी बिजली घर भी गए, लेकिन वहाँ पर कभी भी कोई प्रकार से समस्या का समाधान नहीं। क्या आश्वासन मिलता रहा आपको? यही आश्वासन मिलता रहा है कि वहाँ का एस्टीमेट बन रहा है, अभी तक कोई ना एस्टीमेट बना है। जेई के पास जाते हैं तो अवैध रुपयों की मांग करता है, उनके जो एजेंट हैं इतने भ्रष्ट हैं कि वो कम से कम नहीं तो 10 से 15 हज़ार एक कनेक्शन का पैसा मांगते हैं। कितना विश्वास है विधायक जी करने आप दोबारा गुहार लगाने आए हो? दोबारा लगाने आए हैं इसी आशा से आए हैं कि हो सकता है अब सुनवाई हो हमारी। दादा क्या नाम है आपका? राम स्वरूप सिंह शकरवार जी। आप बताइए क्या मूलभूत समस्या है? हमारे यहाँ मूल समस्या है बिजली की जी। हमने विधायक जी को भी लेटर दिया है, और विधायक जी ने आश्वासन भी दिया था, विधायक जी ने अपने लेटर पैड पर लिख के दिलवाई थी, उसका भी उसके लिए हम पहुँचे हेडल कॉलोनी में बड़े अधिकारी के यहाँ, तो उनको हमने सौंपा था, उनने कि हम तुम्हारी लाइट 2 महीना के अंदर में बनवा देंगे, लगवा देंगे। उसके बाद में आज तक नहीं उनने कुछ हमारे लिए न लाइट की व्यवस्था करी, न आज तक उनने कुछ कहा। लेटर पहुँचने के बाद में विधायक जी से कही तो विधायक जी भी कह रहे थे कि ठीक है अब हम देख लेंगे। सांसद जी के यहाँ गए तो उनके पीए ने भी कहा ठीक है हम लोग करवा लेंगे, और जेई के यहाँ जाते हैं तो वो तो सीधा कहता है कि 10-15 हज़ार रुपया दो तो मैं लाइट लगवा दूंगा, और उसने जिसने 15 हज़ार रुपया 10 दिए उसके यहाँ लाइट लगवा दी। हेडल कॉलोनी में हम जब गए तो उस अधिकारी ने उन्हें ये बोला था कि 40 गज से हम ज़्यादा नहीं दे सकते, आज हमारे यहाँ चल के देख ही जाए तो 600 गज पे लाइट है, वो हम लोगों को नहीं है, क्योंकि उनने तो पैसा दे दिया, हम लोगों को भाई पैसा नहीं है, पैसा हो तो वो हमें दे देंगे। हमारा ये है कि लाइट की विशेष परेशानी है, बच्ची परेशान होती है, सब लोग परेशान हैं लाइट के लिए। हम लोग विधायक जी के यहाँ भी आए हैं। नाम है आपका? मेरा नाम कनक गौतम है, वाल्मीकि जी। जी आप बताइए क्या समस्या है? सर हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम लाइट की है, क्योंकि वहाँ लाइट काफ़ी टाइम से नहीं है, बच्चे परेशान हो जाते हैं गर्मियों में भी, मलेरिया हो जाता है, मच्छर काटते, उसके वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा है लाइट की। बिना लाइट के बच्चे कैसे पढ़ लिख पा रहे हैं आपके? मोमबत्ती जलाने पड़ती है, दिए जलाने पड़ते हैं, क्या मोबाइल के चार्जर वगैरह नहीं हो पाते, कुछ भी नहीं है। बताइए क्या नाम है? जी आप बताइए बिना लाइट के बच्चों की शिक्षा किस प्रकार आप लोग जीवन जी रहे हो अपने मोहल्ले में? मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, लाइट नहीं है मेरे मोहल्ले में, मेरे बच्चे कीड़े पतिंगरे निकल रहे हैं जी, काट रहे हैं मच्छर काट रहे हैं, क्या करें क्या समझा। आज कहाँ पे आई हूँ? आज मैं विधायक के यहाँ आई हूँ, इसलिए आई हूँ कि मैं गरीब आदमी कम से कम सुनाई तो। विश्वास है आपको विधायक जी को? हाँ विश्वास है, मैं कभी सुनेंगे हमारी। दूसरी बार आए हो आप? हाँ दूसरी बार आई हूँ मैं, आप सुनेंगे थोड़ी बहुत तो सुनेंगे मेरी। मेरा नाम अजय राजगढ़ है जी। आप बताइए कहाँ पर आए हो आज? आप आज विधायक निधि की तरह आए हैं, रवि शर्मा जी की तरह जी। मेरे पूरे मोहल्ले में लाइट की समस्या है, और जेई हैं जो प्रभाकर हैं जो लाइट के लिए 10-15 हज़ार रुपये मांगते हैं, हम सब लाइट की समस्या से जूझ रहे हैं, हम लोग को बहुत दिक्कत आ रही है, और इसलिए हम लोग इसी समस्या के लिए विधायक निधि की तरह आए हैं, हो सकता हमारा पूरा सपना हो जाए लाइट का, इसलिए हम यहाँ पर। कितने परिवार हैं वहाँ लाइट बिना रह रहे हैं? हमारे कम से कम 50 घर हैं वहाँ पर, सारी समस्या से जूझ रहे हैं। पार्षद जी क्या कहते हैं आपके वहाँ के जो पार्षद? पार्षद जी के पास जाते हैं तो पार्षद जी कहते हो जाएगा, कोई भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हम लोग को वहाँ से। यहाँ कितनी आशा लेके आए हो जो विधायक जी का? हम लोग यहाँ पर पूरी आशा लेके आए हैं कि हम लोग लाइट आएगी।